से परेशान एक शख्स मंगलवार की जनसुनवाई में इंदौर के डीआईजी कार्यालय पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। प्रति मंगलवार को होने वाली डीआईजी जनसुनवाई में एक पांव से लड़खड़ाता सूद खोरों से पीड़ित युवक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। फरियादी ने बताया कि मैंने एक साहूकार से कुछ जरूरत पड़ने पर पैसे लिए थे। पैसे लेने के बाद मेरे द्वारा साहूकार के पैसे मूल राशि से भी अधिक लौटा दिए गए, पर साहूकार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए सावेर थाने पर भी गया था। थाने पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने नहीं लिखी और बोले कि एक आवेदन दे दे। थाने पर मेरे द्वारा आवेदन भी दे दिया गया, पर सावेर थाने पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम लखन चौधरी है और मैं ग्राम पंचोला का निवासी हूँ। मैंने मेरे गांव वाले गोवर्धन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह दरबार और उनके बेटे आकाश पिता गोवर्धन सिंह से 3,80,000 रुपये मेरी ज़रूरत के हिसाब से लिए थे, जो कि मैं उन्हें 12,52,000 रुपये लौटा चुका हूँ ब्याज सहित। उसके बाद भी मेरे से 5,00,000 की अवैध मांग कर रहे हैं और आए दिन मेरे से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं सावेर थाना शिकायत लेके गया तो वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं करता है और अब मैं आज डीआईजी महोदय के समक्ष मेरी फरियाद लेके आया हूँ। अगर कुछ इस फरियाद के ऊपर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे और मेरे परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा।